हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि सीएससी के माध्यम से ई डिस्ट्रिक्ट की सारी सर्विसेज ले सकते हैं, जैसे कि राशन कार्ड, आय, जाति निवास और भी कई सारी सर्विसेज हैं जो बिहार स्टेट की स्टेट लेवल पे वर्क करेंगी। उसके लिए ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल तैयार हो चुका है। अगर आपके पास सीएससी सेंटर है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत दिनों से इंतजार था। अब तक सीएससी के पोर्टल में बिहार स्टेट की ई डिस्ट्रिक्ट की सर्विस अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अभी फिलहाल इस वेबसाइट को रेडी कर दिया गया है। बहुत सारी सर्विसेज हैं जो इस वेबसाइट पे दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले गूगल में आपको सर्च करना है RTPS। तो देखिए यहाँ पे RTPS bihar.gov.in। ये वीडियो ओनली बिहार स्टेट के सीएससी वीएलई के लिए है, और आज ही अपने सीएससी आईडी को इसके साथ ऑथेंटिकेट करके मर्ज कर लीजिए, ताकि आप अपना बिहार स्टेट लेवल पे काम कर सके। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट इस तरीके से नजर आएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वेबसाइट थी अब तक काफी नॉर्मल स्तर पे थी, इसी तरीके से थी, ये आप देख सकते हैं। इन्होंने अब इस साइट को काफी अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कर दिया है, बहुत अच्छे एडवांस लेवल पे इंटीग्रेट कर दिया है। और यहाँ पे इन्होंने लिंक दे दिया है सर्विस प्लस, serviceonline.bihar.gov.in, इस वेबसाइट के नाम से इसको इंटीग्रेट कर दिया है। और इस वेबसाइट पे अब तक जो था नॉर्मल सिटीजन आके अपना रजिस्ट्रेशन करते थे और यहाँ से अपने लिए जैसे कि आय, जाति, निवास के लिए अप्लाई करते थे, लेकिन फिर भी हमें ऑफलाइन ब्लॉक जाना होता था और वहां जाके अपना सारा प्रोसेस हम ब्लॉक के माध्यम से कंप्लीट कराते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक और खुशी की खबर, जो बनाए जिंदगी बेहतर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस साइट पे क्लिक करते हैं और इसकी मेन वेबसाइट पे विजिट करते हैं, serviceonline.bihar.gov.in। ठीक है, यही वेबसाइट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि राशन कार्ड का भी वर्क इसी वेबसाइट के साथ होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कर्सर लेके जाएंगे और यहाँ पे RTPS सेवाएं पे जैसे लेके जाएंगे तो यहाँ पे राइट हैंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज निकल कर रही है। यहाँ पे सब कैटेगरीज वाइज सारी सर्विसेज दिखाई गई है। ये सर्विस काफी बड़े लेवल पे अब वर्क करेगी बिहार स्टेट में। इस पोर्टल पे आइए और यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, यहाँ पे सीएससी वीएलई को लॉगिन करने के लिए भी लिंक दे दिया गया है। डायरेक्ट अपने आईडी को ऑथेंटिकेट करके यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और सिटीजन को सर्विस आप दे सकते हैं। अब तक ऐसा नहीं था पुराने पोर्टल पे, वहाँ पे नॉर्मली सिटीजन ही जाते थे और अपना रजिस्ट्रेशन करते थे, लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट बिहार की इस चीज को अनुमति दे चुकी है, क्योंकि यहाँ पे सीएससी वीएलई का एक टैब ओपन हो चुका है, वहां से लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवाएं, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो और सब कैटेगरी निकल कर आती है, राशन कार्ड जारी करने के लिए आवेदन और राशन कार्ड में सुधार करने के लिए आवेदन। लेकिन जैसे हम यहाँ पे लिख आते हैं और इसकी सब कैटेगरी में जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन ऊपर टैब में दिख रहा है। देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, कमिंग सुन करके आ रहा है यहाँ पे। अभी ये सर्विस पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं है, इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, बाकी सर्विसेज को इंटीग्रेट कर दिया गया है। चलिए हम एक सीएससी वीएलई है तो हम इसको लॉग इन करके दिखाते हैं कि सीएससी वीएलई कौन कौन से सर्विसेज को अभी फिलहाल दे सकते हैं, बाकी राशन कार्ड का काम भी बहुत जल्द आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए एक लॉगिन का एक ऑप्शन है यहाँ, तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये बताया गया है किस तरीके से आपको यूज करना है इस वेबसाइट को, मोजिला फायरफॉक्स को यूज करना है, और इस वेबसाइट को अच्छे तरीके से रन करने के लिए आपके कंप्यूटर में एडोब रीडर भी होना चाहिए, तभी जाके ये वेबसाइट अच्छे तरीके से काम करेगी। तो यहाँ पे लॉगिन के लिए आगे बढ़े, इस पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से भी यूजर आईडी बना सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन अभी मैं फिलहाल सीएससी वीएलई के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टैब दिख रहा होगा आपको, लॉगिन विद सीएससी कनेक्ट। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये सीधे डिजिटल पोर्टल पे रिडायरेक्ट करेगा, और यहाँ पे आपको अपनी आईडी डालनी है, पासवर्ड और कैप्चा डाल के यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वेलकम टू सर्विस प्लस, ये बिहार स्टेट के लिए है और ये एक तरीके से ई डिस्ट्रिक्ट का वर्क करेगी ये साइट। तो ई डिस्ट्रिक्ट की साइट अब यहाँ पे बिहार स्टेट में लॉन्च हो गई है, बस राशन कार्ड की सर्विस इंटीग्रेट होने वाली है, ये कमिंग सून बहुत जल्दी आ जाएगी। यहाँ पे देखिए व्यू ऑल सर्विसेज पे क्लिक करते हैं हम, ये आपका डैशबोर्ड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी सर्विसेज हैं, बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, बिहार राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, और यहाँ पे LIC की भी सर्विसेज हैं जो सारी गवर्नमेंट की हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे देखिए आय, जाति, निवास अगर बनाना है, कास्ट में भी कई टाइप की कास्ट होती है, जैसे कि डीएम लेवल पे, आरओ लेवल पे। ठीक है, और यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट है, देख सकते हैं डीएम लेवल पे। इन सब सर्विसेज को कैसे यूज करेंगे और जैसे आय, जाति, निवास कैसे हम सर्विस प्लस के थ्रू बनाएंगे, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा किस तरीके से आपको आय बनाना है, जाति बनाना है, निवास बनाना है। ठीक है, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी कैसे बनाना है सर्विस प्लस के माध्यम से। यहाँ पे देख सकते हैं व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये चार टैब और ओपन हो जाएंगे इसकी सब कैटेगरी, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका प्रोफाइल होगा, ठीक है, स्टेट आपका नजर आएगा,
यहाँ से लैंग्वेज भी आप चूज कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं। हिंदी पे क्लिक करेंगे सेशन टाइम आउट, तो अगर आप लैंग्वेज चूज करेंगे तो प्रॉब्लम होगी गाइज। लेकिन यहाँ पे री लॉगिन पे क्लिक करते हैं, बेहतर ये होगा कि आप इसको इंग्लिश में रहने दें, हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें। ऊपर यहाँ पे हिंदी में सब कुछ दिखता है, बट यहाँ पे जब लॉग इन कर लेंगे तो अंदर की सारी सर्विसेज इंग्लिश में शो करेगी आपको। और यहाँ पे खुद पंजीकरण करें, ठीक है, यहाँ पे सिटीजन आके अपना पंजीकरण कर सकते हैं और आय जाति निवास जैसी सर्विसेज अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप होम पेज पे आएंगे, यहाँ तक कि COVID-19 आपदा के लिए ई पास का निर्गमन, यहाँ से ई पास भी बना सकते हैं। जैसे कि विवाह के लिए या फिर अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो कोविड के लिए यहाँ से आप पास बना सकते हैं। बहुत सारी सर्विसेज हैं, अगर सारी सर्विसेज के बारे में बताएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ओके गाइस, अगर कोई क्वेरी है, डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।